अथ तृतीयोध्याय। गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना। श्री शुक उवाच। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि तदाप परमं जाप्यं प्राजन्मन्यनुशुक्षितं तदाप परमं जाप्यं प्राजन्मन्यनुशुक्षितं। गजेंद्र उवाच। गन्तुमीरतं नायस्त देवा
ऋषयः पदं विदुर्जन्तः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटसा कृतिभेविचेष्टो दुरात्तयान् रमणा समावतु यथा नटसा कृतिभेविचेष्टो दुरात्ययानुक्रमण समावतु विद्युत्क्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं प्रसङ्गामुनय सुसाधव विद्युत्क्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं प्रसङ्गामुनय सुसाधव चरन्तलोकवतमरणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समिगतिः चरन्तलोकवतमरणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समिगतिः
कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। Thank you.
विमुखना मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय मातः प्रपन्न पशुपाश विमुखनाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय सुशील सर्वत प्रतीत प्रत्यक्षे भगवते प्रति नमस्ते सुशील सर्वतनु ब्रह्मनसि प्रतीत प्रत्यक्षे भगवते प्रति नमस्ते आत्मजातक प्रहृत जनिषु सक्तये दुष्प्रापणाय गुणसंविवर्जिताय आत्मजाप्तप्रहृतजनशक्तये दुष्प्रापणाय गुणसंविवर्जिताय मुक्तापदिः सहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय सहृदय परिभावकाय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय ब्रह्मादयो
नमस्तुभ्यं नमः
शतं हरिरमुच्यते स्त्रियाणां
ग्रंथे महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽध्यायः।